नमस्कार फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इस बार हम नया वीडियो लाए, ये सीएनजी कंपनी फिटिंग सीएनजी पे है। तो पहले मैंने बनाया था सीएनजी पे जो कंपनी फिटिंग नहीं थी, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया। तो ये कंपनी फिटिंग सीएनजी में कैसे आप पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो सीएनजी में कैसे स्टार्ट करें वो दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ईजी ट्रिक है, एक बार देखेंगे तो आपको क्या कभी जरूर पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों को धक्का लगाते हुए देखा, क्योंकि पेट्रोल का पंप आता है, जो फ्यूल पंप जो पेट्रोल के टंकी में होता है, पेट्रोल को धक्का देके आगे भेजता है तो पंप बिगड़ जाता है कभी कभी, या फिर पेट्रोल खराब हो जाता है, या फिर पेट्रोल होता नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप कैसे सीएनजी में स्टार्ट करके चला सकते हो कंपनी फिटिंग सीएनजी को, तो ये वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो एक बार जरूर देखिए और चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी। तो ये हमारी कंपनी फिटिंग सीएनजी है, यहाँ पे सीएनजी लिखा है बराबर। तो ये कंपनी फिटिंग है, कंपनी फिटिंग में आगे नोजल नहीं होती जो गैस रिफिलिंग की, वो पीछे होती है, तो ऐसे ही होती। तो चलिए दिखाता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे आपको सिस्टम जो आप चेंज करना चाहते हो वो दिखाई देगा। आपके पास ये सिस्टम होती है हर सीएनजी कार में, वो चेंज करने की स्विच होती है, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल। तो अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ चाबी चालू करके। तो ये देखिए, अभी सीएनजी का जो पॉइंट है वो ब्लिंकिंग होगा चालू बंद, यानी सीएनजी में नहीं है गाड़ी, अभी पेट्रोल में है। हर कंपनी फिटिंग सीएनजी जो होती है वो पहले पेट्रोल में ही होती है, बाहर वाली भी पेट्रोल में ही होती है, फिर आपको चेंज करना रहता है। तो अभी चालू, ये चालू बंद ही रहेगी जब तक कि हम चालू नहीं करेंगे। ये ऑटोमेटिक बंद होगी तब आपको पेट्रोल से सीएनजी में नहीं जाएगी, चालू होगी बाद में ही ये पेट्रोल टू सीएनजी में जाएगी। तो चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ, मैं चालू करूँगा तो थोड़ी देर बाद ये पेट्रोल से सीएनजी में हो जाएगी। तो ये मैंने चालू की है गाड़ी, तो ये अभी जो सीएनजी ब्लिंकिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी पेट्रोल में, बाद में ये सीएनजी में चली जाएगी गाड़ी। एक आवाज़ आएगी जो चेंज होती है, ये आवाज़ आई, यानी अभी अपनी गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी में हो गई है। तो ये अगर पेट्रोल नहीं होगा तो चालू ही नहीं होगी बराबर। तो अभी उसको कैसे हम करें तो मैं पहले बंद करता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत बार, यानी हर रोज यूज नहीं करनी है, इमरजेंसी जब पेट्रोल खत्म हो जाए तभी यूज करनी है। पेट्रोल रखना जरूरी है, कभी आपको वो परेशानी से बचा सकता है, यानी पेट्रोल आप रखे ही, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। हर बार ऐसे चालू मत कीजिए, इंजन में शायद प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि कभी आप फंसे हुए हो तो ही आप ये कर सकते हो। एप्पल वालों कॉपीराइट तो नहीं लगा ना? चलो, तो ये आपको वहीं पे लगाना है कि आप इमरजेंसी में फंसे हो तभी। तो अभी देखते हैं, मैं फिर से एक बार आपको अभी सीएनजी में चालू करके दिखाता हूँ। तो वापिस आ गए हम, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा चाबी, तो पहले की तरह ये ब्लिंकिंग होगी। तो अभी ब्लिंकिंग होगी लेकिन सीएनजी चालू की चालू नहीं रहेगी। तो अभी आपको करना क्या है, तो ये बटन आता है जो ट्रांसफर करता है पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल, तो उसको दबाए रखना है। ये मैंने दबाए रखा है, तो अभी क्या होगा, पेट्रोल वाली जो लाइट है वो बंद हो जाएगी और वो सीएनजी वाली लाइट है वो चालू हो जाएगी। तो ये आवाज़ आई, यानी अभी अपनी गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी में हो गई है बिना चालू किए। तो अब आप सेल मारोगे तो वो आपकी गाड़ी सीएनजी में स्टार्ट होगी, यानी हो गया। पेट्रोल नहीं है तो ये सिर्फ दबाई रखना है तो ये पेट्रोल से सीएनजी में कर देगा। थोड़ी देर दबाई रखना है, आप चेक करोगे तो जब तक ये लाइट चालू ना हो जाए तब तक दबाई रखना है। ये कंपनी फिटिंग सीएनजी के लिए है। अगर आपकी कंपनी फिटिंग नहीं है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो है चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करके भी दिखा दूँ। ये पेट्रोल आप सीएनजी में ही है, लाइट ये बंद है पेट्रोल की, चलो चालू करते हैं। ये चालू हो गई है लेकिन हर बार ये ऐसे चालू करना नहीं है बराबर, आपके इंजन में प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो कृपया इमरजेंसी में ये यूज़ करें। चलिए ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।